टी20 वर्ल्ड कप में 2 नवंबर को एडिलेड में भारत और बांग्लादेश के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 रनों से जीत दर्ज की, लेकिन इस मैच में बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज लिटन दास ने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि हर किसी को उन्होंने अपना मुरीद बना लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन का बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन बांग्लादेश के लिटन दास का बल्ला ऐसा चला कि उनके टीम की बेहतरीन शुरुआत हुई। उन्होंने सभी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए, हालांकि वह अपनी टीम को जिता नहीं पाए। लेकिन सोशल मीडिया पर दास छाए हुए हैं, हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस दास के बहुत फैन हैं, वे असल में किसके फैन हैं? तो चलिए आपको बता देते हैं कि लिटन दास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। अपने इंस्टाग्राम बायो में उन्होंने खुद को श्री कृष्ण का सेवक बताया है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है, जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि एक बड़े तूफान के बाद हमेशा इंद्रधनुष आता है। इसके नीचे लिखा है, श्री कृष्ण का सेवक और जानवरों से प्यार करने वाला। आपको बता दें कि 28 साल के लिटन दास हिंदू हैं। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1994 को बांग्लादेश के दिनाजपुर में हुआ था। उन्होंने अब तक बांग्लादेश के लिए 35 टेस्ट, 27 वनडे में 1835 और टी20 में 1378 रन बनाए हैं। दास सभी हिंदू त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं और सभी को इसकी शुभकामनाएं भी देते रहते हैं। लेकिन एक मुस्लिम देश में रहने के कारण और अपने धर्म के प्रति आस्था दिखाने पर लिटन दास को अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। उन्होंने पिछले महीने फेसबुक पोस्ट पर नवरात्रि की बधाई दी थी और माँ दुर्गा की तस्वीर भी लगाई थी। इससे वे कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। उन्हें इस पोस्ट पर धमकियां मिलने लगी और उन्हें धर्म परिवर्तन तक कराने के लिए कहा जाने लगा। कई लोगों ने क्रिकेटर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी कृष्ण जन्माष्टमी पर उन्होंने लोगों को बधाई दी थी, तब भी उन्हें ट्रोल किया गया था और कट्टरपंथियों ने उन्हें तब भी धमकियां दी थी। उनके पोस्ट पर लोगों ने अनाप शनाप लिखा और उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि कुछ मुस्लिम फैन उनके समर्थन में आए और उन्हें पोस्ट पर बधाई भी दी थी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।